हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जकी और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G में आपको 1UI 4.1 का जो अपडेट है वो फाइनली आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं 1UI 4.1 अपडेट। अपडेट की साइज की बात की जाए गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1274 MB का अपडेट है। सिक्योरिटी पैच आप लोग यहां पर देख सकते हैं 1 मार्च 2022 का दिया गया है, यानी कि आपको इसी मंथ का सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया है, लेकिन ये जो मंथ है वो ख़त्म होने वाला है। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, 2 दिन पहले यहां पर इंडिया के अंदर एक न्यू F40 अपडेट रिलीज़ किया गया था सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के लिए, जो कि 207 या 209 MB का अपडेट था। उस पर मैंने वीडियो भी बनाकर आप लोग को अपडेट दे दिया था। 2 दिन पहले ही ये अपडेट यहां पर आया था और 2 दिन के बाद यहां पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G को 4.1 का जो अपडेट है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि आपको सरप्राइजिंगली यहाँ पर ये अपडेट प्रोवाइड किया गया है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के लिए। एकदम अचानक से आपको 4.1 का अपडेट दे दिया गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या न्यू फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले एक डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 1UI 4.0 में ही मिले थे, लेकिन उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस किया गया है, कस्टमाइज़ किया गया है, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव बनाया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं व्हाट्स इन न्यू में यहाँ पर बताया गया 1UI 4.1 का जो अपडेट है वो मिला है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट फीचर फॉर योर गैलेक्सी डिवाइस, यानी कि बहुत सारे लेटेस्ट फीचर आपको मिलने वाले हैं गैलेक्सी डिवाइस में। और यहाँ पर मोर फन, मोर सिक्योर एंड ईजियर देन एवर, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसान बनाया गया है, बहुत ज़्यादा फीचर ऐड किया गया है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बनाया गया है 1UI 4.1 को। तो बिना लेट किए यहाँ पर एक एक फीचर को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में मेंशन किया गया है गैलरी, यहाँ देख सकते हैं गैलरी में यहाँ पर ऐड किया गया है ऐड पोर्ट्रेट इफेक्ट्स। तो ये पहले से था लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। उसके बाद यह है पोर्ट्रेट रीलाइटनिंग, यानी कि पोर्ट्रेट को और भी ज़्यादा आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको और भी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर जो है बताया गया है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है कन्वर्ट अनएक्सेसरी मोशन फोटोज़ टू स्टिल इमेजेस। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं, मैं एक एक फ़ीचर को डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊँगा। ऐसे में आप लोग को बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग यहां पर वेट कर सकते हैं। मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस, क्या कि मैं ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग भी कीजिए। उसके बाद आपको यहां पर मिल जाता है क्रिएट टाइम लैप्स वीडियोज़। तो यहां पर आप लोग टाइम लैप्स में भी काफ़ी अच्छे वीडियोज़ बना सकते हैं, यानी कि 1 घंटे का, 24 आवर्स का। उसके बाद आपको मिल जाता है AR जोन में यहां पर जो है ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं। उसके बाद है गूगल ड्यू, ठीक है, गूगल ड्यू में जो वीडियो बैकग्राउंड में ब्लर हो जाती है, जैसे आप लोग वीडियो कॉल पे बात करते हैं तो बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाती है, और कभी कभी उसमें आप लोग ऐड भी कर सकते हैं इमेज या फिर कलर्स वगैरह, तो वो यहाँ पर और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। उसके बाद आपको ये मिल जाता है सैमसंग हेल्थ में आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग भी सैमसंग हेल्थ के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी लेना चाहते हैं मेरा उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है सैमसंग हेल्थ में इनहेंस्ड एक्सरसाइज ट्रैकिंग। तो यहाँ पर अगर आप लोग वॉचेस पहनते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, तो उसमें भी आप लोग यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिल जाता है स्मार्ट स्विच के बारे में आप लोग जानते होंगे कि डेटा ट्रांसफ़र और शेयरिंग फाइल वगैरह जो है वो यहाँ पर मिलता है। अगर आप लोग सैमसंग का 2-3 फ़ोन यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, वॉचेस यूज़ करते हैं, तो उसमें आप लोग यहाँ पर आसानी से स्मार्ट स्विच कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है स्मार्ट थिंग्स फाइंड, ठीक है। यहाँ पर ये फीचर क्या काम करता है मैं आप लोग को यहाँ पर एग्जांपल तो भी बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप लोग फाइंड कर सकते हैं अपने फ़ोन को, टैबलेट को, वॉच को, ईयरबड्स को स्मार्ट थिंग के जरिए, तो वो फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है शेयरिंग का। शेयरिंग में आपको बहुत सारे फीचर को इन्हेंस किया गया है, जैसे मैं आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ, शेयर योर वाईफाई नेटवर्क। यहाँ पर आप लोग वाईफाई नेटवर्क को काफी आसानी से शेयर कर सकते हैं किसी और फोन में। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है इंक्लूड एडिटिंग हिस्ट्री व्हेन यू शेयर पिक्चर्स एंड वीडियोस। अगर आप लोग पिक्चर एंड वीडियो शेयर करते हैं तो आप लोग यहाँ पर हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं कि आपने किसको क्या भेजा था। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है शेयर टिप्स विद अदर्स, तो आप लोग यहाँ पर टिप्स भी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाता है मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। तो यहाँ पर आपको जो फीचर मिला था 1UI 4.0 में, उसी फीचर को यहाँ पर गाइज दिया गया है और उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव बनाया गया है, ठीक है। जैसा कि गाइज यहाँ पर आप लोग को मिल जाता है कलर पैलेट। इस फीचर में गाइज अगर आप लोग ऐसा वॉलपेपर लगाते हैं तो उसी रंग
का आप लोग यहाँ पर थीम बना सकते हैं, आइकन बना सकते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल भी बना सकते हैं सेम कलर का जो आपने वॉलपेपर लगा के रखा है। तो ये काफी जबरदस्त फीचर मिलता है 1UI4 में और 1UI4.1 में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है एड इमोजीज टू योर कैलेंडर, कैलेंडर में जो इमोजी है आप लोग लगा सकते हैं। तो ये फीचर आपको पहले ही से था लेकिन उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव बनाया गया है, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिया गया है कस्टमाइज योर साउंड बैलेंस, तो आप लोग यहाँ पर साउंड बैलेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है कस्टमाइज योर वर्चुअल मेमोरी, अब आप लोग यहाँ पर नीड के हिसाब से मेमोरी को, वर्चुअल मेमोरी जो मिला है आपको रैम प्लस का जो फीचर मिला है उसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं कितने GB आप लोग यहाँ पर चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G है, इसमें आपको 4 GB का वर्चुअल मेमोरी जो है वो दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर 6 GB बना सकते हैं, 12 GB तक बना सकते हैं, ये आपके नीड के हिसाब से है। अगर आप लोग को और भी ज़्यादा वर्चुअल रैम चाहिए तो आप लोग यहाँ पर GB ऐड कर सकते हैं, ये GB आपका स्टोरेज से ऐड होगा, जो आपका स्टोरेज मिलता है ना वही आप लोग यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर काफी कमाल का है और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G को मिल चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पर गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस, यहाँ पर जो है गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस को भी यहाँ पर दिया गया है, इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोग को बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद गाइज आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐप अपडेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कुछ ऐप को भी अपडेट किया गया है, जैसे यहाँ पर सैमसंग नोट्स, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग मेंबर्स, कैलेंडर और वॉइस रिकॉर्डर, तो ये सब ऐप को यहाँ पर अपडेट किया गया है 1UI4.1 में। तो आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना बना कर आप लोग को दूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से नॉलेज हो जाए, समझ में आ जाए 1UI4 में क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। रिव्यू का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कल तक आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर अदर इम्प्रूवमेंट की और बग फिक्सेस की, तो मैं आप लोग को रिव्यू के वीडियो में बताऊंगा कि क्या आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है और कौन कौन से यहाँ पर बग्स फिक्स किए गए हैं। तो वीडियो पर इतना ही फ्रेंड, वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।